और यूपी के बदायूं में हुए डबल मर्डर के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद पर यूपी पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया है। यूपी पुलिस ने बदायूं हत्याकांड के सह आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस आरोपी जावेद की तलाश कर रही है। दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी साजिद को वारदात के कुछ देर बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं दो मासूमों की हत्या के बाद बदायूं में बने सांप्रदायिक तनाव की रिपोर्ट डीएम मनोज कुमार ने शासन को भेज दी है। एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जाँच भी शुरू करा दी गयी है। बदायूं में हुए डबल मर्डर के बाद तनाव बढ़ गया। कई जगहों पर लोगों ने आगजनी की। भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस की बड़ी साजिश का असम एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया। दो आतंकवादियों को असम के धुबरी से गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस के भारत के कथित हेड हारिस फारूकी को असम की स्पेशल टास्क फोर्स ने धुबरी जिले से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त की गई जब वो बांग्लादेश की सीमा से भारत में दाखिल हो रहा था। फारूकी देहरादून का रहने वाला है। उसके साथ अनुराग सिंह और रेहान को भी पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को एसटीएफ के गुवाहाटी दफ्तर में लाया गया। इन दोनों को एनआईए ने भी वॉन्टेड लिस्ट में डाला हुआ था। असम एसटीएफ अब इन्हें एनआईए के हवाले करेगी, जिसके बाद इनसे पूछताछ कर पता किया जाएगा कि इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं। इन दोनों के खिलाफ दिल्ली लखनऊ में भी केस दर्ज हैं। क्या यूपी के मुरादाबाद का नाम बदलेगा? बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने शहर का नाम बदलने के कारण भी गिनाए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुरादाबाद का नाम बदलकर माधवनगर करने की बात दोहराई। भारत में बहुत जगहों के नाम बदल दिए गए। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, इसी प्रकार मुरादाबाद माधवनगर हो जाए। उन्होंने कहा कि जिस नगर में सिद्ध बलि हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़ गंगा हो, शीतला कालका माता मंदिर हो, नीप करोरी बाबा का मंदिर हो, माता गंगा जहाँ प्रकट हुई हो, ऐसे नगर को मुरादाबाद कहना इन मंदिरों का अपमान है। ज्ञानवापी मामले में मुख्तार अंसारी को पक्षकार बनाए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई है। कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रशांत सिंह की अदालत में मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी प्रकरण के मूल वाद में पक्षकार बनाए जाने संबंधी याचिका दायर कर चुके हैं। इस बारे में पहले से हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ज्ञानवापी में संपूर्ण परिसर का सर्वे करने की मांग भी कर चुके हैं। इसके अलावा व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार पाने के लिए सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक व्यास ने खुद को मूल वाद में पक्षकार भी बनाए जाने की मांग की है।